मैग्नेटिज्म में ही कहीं आगे बात करेंगे। दो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, दो करंट कैरिंग वायर है एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं, सबकी बात आज करने वाले। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, कैसे चीजों को कर रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पहले देखो, मैंने बात करता हूं मैं कि Q1 और Q2 दो चार्ज है। अब Q1 भाग रहा है V1 से, Q2 भाग रहा है V2 से, तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा। सबसे पहले ही बताओ Q1 का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर सवाल कर लेंगे। तो भाई Q1 का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V क्रॉस R डायरेक्शन होगा, V1 क्रॉस R, यानी कि यहाँ पे Q1 का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। पहली बात तो ये, यहाँ पे जो भी Q1 का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब बताओ चार्ज Q1 की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, पिछले टर्न पे बताया है मैंने कि B ड्यू टू वन जो होगा यहाँ पे वो होगा μ0/4πQ V1 वेक्टर क्रॉस R वेक्टर divided by mod R³। यही तो होता है V1 की वैल्यू। भाई इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही तो होती है। अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मुझे मिल गया, समझो मेरा काम हो गया। क्यों? अब मुझे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पता है, Q2 भाग रहा है V2 से। बताओ मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स याद है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है Q × V × B। भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q × V × B। फोर्स निकालना है 2 पे, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर चार्ज ऑफ 2 यानी कि Q2, वेलोसिटी ऑफ 2 यानी कि V2 क्रॉस B, दैट इज B1। पहले का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है? वो है μ0/4π, और ये कितना है? ये है मेरा Q1, इस बात का ध्यान रखना, और ये Q2 है, Q1 V1 क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड R³। थोड़ा सा अरेंजमेंट करोगे तो F21 की वैल्यू आ जाएगी। देखना μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और कुछ बाहर निकल रहा है क्या? mod R³ कांस्टेंट है, बाहर निकल लिया, अंदर में आ गया V2 वेक्टर का क्रॉस करना है तुम्हें किसके साथ, तो तुम्हें क्रॉस करना है V1 क्रॉस R1 वेक्टर के साथ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। तो आई बात समझे, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आ गया। बहुत सिंपल सवाल, जैसे इस सवाल में मैं अगर दूं कि दोनों 90 पे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, माइनस के कैप की तरफ होगी, माइनस के और V2 के बीच में भी एंगल 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो ये सिंपल सी V2 V1 R1 हो जाएगा, ये सिंपल V2 V1 R1 हो जाएगा। बट हमेशा ये एंगल 90 नहीं होगी, एंगल बदल भी सकता है, तो उस हिसाब से अपने को सिचुएशन के हिसाब से ये जनरल फार्मूला याद रखना है। आगे बस में ये तब आया जब दो पॉइंट चार्ज V1 V2 वेलोसिटी से भाग रहे थे तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगा। अच्छा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? अब देखो इसका यहां पे फील्ड है अंदर की तरफ, भाई V क्रॉस R है अंदर की तरफ, तो फील्ड किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। अब फील्ड अगर अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स है V क्रॉस B, फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि Q2 जो है वो Q1 की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, Q2 Q1 की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ Q2 Q1 की तरफ भाग रहा है, मतलब ये फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है। यानी कि अगर चार्जेस सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे, तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। तो याद रखना है, पॉइंट बना के लिख लो कि चार्जेस अगर सेम डायरेक्शन भाग रहे होंगे देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, और अपोजिट भाग रहे होंगे तो फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। आ रही है बात सुनिए, अब अगले पे आते हैं। अब मैं बात करता हूं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर करंट ही जीरो है, पहली बात तो अगर करंट ही जीरो है तो फोर्स कितना होगा? तब तो पक्की बात है कि फोर्स जीरो होगा। अगर करंट ही जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, बट अगर करंट जीरो नहीं है तो फोर्स की वैल्यू कुछ होगी। अब जैसे ये सवाल दिया गया है, अब मुझे पता करना है, मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज पे फोर्स लॉरेंज फोर्स से हमें पता है Q × V × B। पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है Q × V × B, बट करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स होगा ये हमें नहीं पता। सो निकालते हैं, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ L है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो एन है, तो कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा? भाई मुझे पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। भाई फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज पे, क्यू चार्ज पे। क्या मैं इस क्यू चार्ज को इस वायर के अंदर बंद चार्ज के बराबर, वायर के अंदर चार्ज कितना होगा? एन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन इंटू वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम क्या? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया। टोटल नंबर ऑफ चार्ज को अगर ई से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, क्यू आ गया। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भाग रहा होता है? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्रॉस बी। अब देखो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये क्या लिखा हुआ है? ये ऑब्वियस सी बात है, एन ई ए वी डी मेरा करंट आई है, यानी कि एफ विल बी आई। अब जिधर वेलोसिटी वी डी, जिधर चार्ज की वेलोसिटी, उधर ही मेरा एल वेक्टर, तो इसको बेटर रहेगा कि एल क्रॉस बी लिख दो, यानी कि आई एल क्रॉस बी मेरा किसी भी वायर के ऊपर फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैरिंग वायर के ऊपर। डायरेक्शन किधर? तो आई क्रॉस बी इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, इसलिए वायर जो है वो थोड़ा सा बेंड शेप में ले लेगा करंट की वजह से। अगर ये दोनों टर्निंग मैंने फिक्स कर दिया होगा तो वायर थोड़ा सा ऐसे कर पाथ ले लेंगे, क्योंकि फोर्स किधर है? देखो करंट की डायरेक्शन में एल वेक्टर होगा, तो आई इंटू एल, या एल के जगह बेटर ये रहेगा कि तुम डी एल यूज करो। डी एल क्यों? मैं छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आई इंटू डी एल क्रॉस बी, मतलब इस छोटे से हिस्सा जो डी एल है इसके ऊपर जो फोर्स होगा डी एफ, इसके ऊपर जो फोर्स होगा डी एफ वो किधर होगा? वो अंदर की तरफ होगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला याद रखना है। पूरे हिस्से के लिए क्या करोगे? सिंपली से डी एल को इंटीग्रेट कर दोगे, डी एल की वैल्यू एल आ जाएगी। आई बात समझ में? ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स। अब मैं यहां बात करता हूं, मान लो वायर टेढ़ा मेढ़ा रहे, अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा रहे तो फोर्स कैसे निकालें? अगर मान लो वायर टेढ़ा मेढ़ा रहे और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? जो भी टेढ़ा मेढ़ा वायर है, एंड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में, मतलब अगर मुझे एबी के ऊपर फोर्स पूछा, एबी वायर के ऊपर फोर्स पूछा, जो फोर्स जो होगा ये फोर्स एंड पॉइंट को, अगर मैं इसको गायब करके एक वायर बना दूं, इस पूरे को गायब करके एक वायर बना दूं जिसका लेंथ AB के बराबर होगा और उसमें अगर सेम करंट I फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा और इस AB लेंथ वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों सेम होता है, यानी कि AB लेंथ वाले वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? I इंटू AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यही फोर्स जो होगा वो मेरा इस AB लेंथ वाले हिस्से पे लगेगा, I इंटू AB क्रॉस B वेक्टर, L क्रॉस B, यानी कि AB क्रॉस B वेक्टर। यही फोर्स मेरा लगेगा इस हिस्से पे जो AB हिस्से को ज्वाइन के मैंने करके मैंने बनाया होगा। आई बात समझे? अब मैं बात करता हूँ, ये देखो सर्कुलर आर्क है, अब इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ करूँ। अगर सर्कुलर इस पूरे आर्क के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, अच्छा हाँ डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन AB क्रॉस B, मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है क्या करें? कुछ नहीं, AB वाले सेक्शन को ज्वाइन करो, जो AB वाले सेक्शन के ऊपर फोर्स होगा वही इस पूरे आर्क के ऊपर होगा। तो एंड पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया, बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? तो F ऑन सेक्शन AB विल बी I, AB का लेंथ कितना? 2R इनटू B, एंगल कितना? 90। देखो इधर की तरफ DL वेक्टर, अंदर की तरफ B वेक्टर, तो एंगल 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो I 2R इनटू B। इस पूरे लूप के ऊपर जो फोर्स होगा वो AB को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर फोर्स, दोनों फोर्स सेम ही होगा, इसलिए हम लोग इसको गायब करके एक लाइन बना देंगे जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, इसका लेंथ 2R हो जाएगा, तो आई 2R इंटू वी इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक क्लोज लूप पड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ही नहीं, अगर दो पॉइंट ओपन रहता तो मैं ज्वाइन करके निकाल लेता, वही फोर्स होता। अब इसमें ए बी कितना हो जाएगा? भाई इसको मान लो घटाते 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 ए बी को मैंने जीरो कर दिया, तो ए बी को जीरो कर दोगे, ए बी को जीरो कर दोगे तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी क्लोज लूप पे फोर्स जीरो होता है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि फोर्स ऑन अ क्लोज लूप प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर सुना, फोर्स ऑन अ क्लोज वायर या क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप के ऊपर फोर्स कितना होगा?
क्लोज लूप के ऊपर फोर्स जीरो होगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि क्योंकि दोनों एंड पॉइंट को जोड़ने में लाइन में कुछ हमें जोड़ना ही नहीं पड़ा, दोनों एंड पॉइंट जुड़ा हुआ यानी कि ए बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इसमें मान लो मैंने बोला कि यार इसमें करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, तो बताओ इस वाले पे फोर्स कितना लगेगा, डीएल क्रॉस बी, फोर्स आया इधर की तरफ, इस वाले पर डीएल क्रॉस बी, दोनों लेंथ सेम है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करो, एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा। तो क्लोज लूप, चाहे वो लूप कैसा भी हो, इवन अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लूप भी रहा ना, टेढ़े मेढ़े लूप के भी ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। और इसकी बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं फाइंड एफ। मुझे फोर्स निकालना है दो करंट कैरिंग वायर में, दो करंट कैरिंग वायर है, ये मान के चल रहे हैं कि कहीं नहीं रखा हुआ है, इस ये वायर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है मुझे निकालना है। एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक करंट कैरिंग वायर ये इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा? आई वन करंट की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर फोर्स है। अभी हमने पढ़ा जब भी कोई करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। यानी कि अगर ये आई वन करंट वाला वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, आई वन करंट वाले वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई टू करंट वाले वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले अपन ये मान के चल रहे कि इन्फाइनाइट वायर है, ऐसा मान के चल रहे इन्फाइनाइट वायर है। अब बताओ आई वन का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन पहली बात तो अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन विल बी इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, यानी कि म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी। ये मैग्नेटिक फील्ड है किधर की तरफ, अंदर की तरफ। और अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा DL क्रॉस B, I DL क्रॉस B, I DL क्रॉस B, मतलब फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो F21 की अगर बात की जाए तो I, I बोले तो ऊपर की तरफ, यानी कि I2 into DL, DL बोले तो ऊपर की तरफ। अब DL क्रॉस B, DL ऊपर B अंदर, 90 एंगल बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो DL B लिख दूं, I इसका छोटे से हिस्से पे फोर्स निकाल रहा हूं, बहुत छोटे से हिस्से पे, तो I into DL B sin 90, B कितना, B है mu not I1 upon 2 pi D sin 90 जिसकी वैल्यू 1, यानी कि F21 upon DL की अगर बात की जाए तो यह आ जाएगा mu not I1 I2 upon 2 pi D। इस टर्म को बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर सेकेंड वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, ये होगा। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी कि फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा देन फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। दो वायर का हमने फोर्स के बारे में भी बात कर ली। अगले टर्न पे इसके ऊपर और भी कई तरह के सवाल करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।